विजय माल्या का देश लौटने से साफ इनकार। सुप्रीम कोर्ट को दिए बयान में कहा, भारत लौटा तो भेजा जाऊंगा तिहाड़, बैंक नहीं करना चाहते सेटलमेंट। बाबा रामदेव का मल्टी नेशनल कंपनियों को बड़ा चैलेंज, अगले साल तक पूरा करेंगे 10,000 करोड़ से ज्यादा आय का लक्ष्य, दूध रिटेलिंग कारोबार में भी उतरने की योजना। पतंजलि की आईपीओ लाने की तैयारी, जी बिजनेस से खास बातचीत में बाबा रामदेव ने दी मौन सहमति। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, सेंसेक्स 328, निफ्टी 107 अंक चढ़कर बंद, मेटल, ऑटो, फार्मा, इंफ्रा शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। चौथी तिमाही में मारुति की बिक्री बढ़ी, मुनाफा 12% गिरकर 1130 करोड़ रुपए रहा, कंपनी का 35 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान। कॉल ड्रॉप मामले पर सरकार ने कड़े किए तेवर, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, इंफ्रा सुधारने के लिए कंपनियों ने कुछ नहीं किया, खराब नेटवर्क के लिए बहानेबाजी बंद करने की हिदायत। बढ़ते एनपीए पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार पर सख्त टिप्पणी, सिस्टम सही होता तो नहीं बढ़ते बैड लोन, नियम सख्त करने का आदेश, सरकार की दलील, सरफासी एक्ट और डीआरपी कानून में संशोधन की प्रक्रिया जारी। कालेधन पर सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी को निर्देश, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए 6000 करोड़ के घोटाले की भी जांच करे एसआईटी, 11 मई को होगी अगली सुनवाई। सेबी को सर्विस टैक्स विभाग ने भेजा 75 करोड़ का टैक्स नोटिस, 1 जुलाई 2012 से नहीं चुकाया टैक्स, सेबी की दलील, सेबी एक्ट में टैक्स देनदारी से मिली माफी। और अगस्ता घोटाले में इटली की अदालत के फैसले में कई बड़े नाम, एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय के अफसरों के साथ कांग्रेस नेताओं को कमीशन का जिक्र, ऑस्कर फर्नांडीज का इनकार।